Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsara by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं इससे संबंधित प्रैक्टिस पेपर है। ये क्लास सेकेंड के लिए प्रैक्टिस सेट वन है। इससे पहले मैंने क्लास थर्ड के लिए दो प्रैक्टिस सेट लेकर आई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड एंड क्लास फर्स्ट से एट्थ तक के सभी सब्जेक्ट्स के वर्कशीट, चैप्टर एक्सप्लेन एंड ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं। डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम कब होते हैं, क्या होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगी। अगर आप इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी वीडियो हमने बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही क्लास फर्स्ट से एट्थ तक के सैंपल पेपर एंड सिलेबस भी हमने अपने वीडियो में डाले हैं, वो भी क्लास वाइज, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी। अगर आपको नहीं पता है, इसके डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन समर ओलंपियाड एग्जाम इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च के अभी भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अगर अभी भी आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं जिसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर हो सकते हैं और एग्जाम में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। एग्जाम 21 मई को होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है, इसमें हम बता दें अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ना होकर सिंगल क्वेश्चन पेपर एग्जाम होते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड स्कॉलर सेक्शन, फाइव सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा रहता है और इसमें ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इतने मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी से फाइंड द ऑड वन आउट। क्वेश्चंस पेपर में लगभग 35 क्वेश्चंस आते हैं एंड टोटल मार्क्स 100 होते हैं। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए करीब 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से अलग कौन सा है उसे हमें ऑड वन अलग करना है। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस एंड फोर्थ है बुक। तो ऑड अलग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा हो जाता है ऑड वन आउट, क्योंकि इससे पहले जो है हमारा कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड ये तीनों जो है हमारे कंप्यूटर्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, जबकि ये बुक्स जो है अलग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन नेक्स्ट सीरीज, देखिए सीरीज नेक्स्ट सीरीज क्या होगी ये हमें बताना है। रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। रेक्टेंगल, सर्कल, उसके क्या हो रहा है ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, अब इसके नेक्स्ट सीरीज हमारा क्या हो जाता है ट्रायंगल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रायंगल, करेक्ट आंसर ट्रायंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखते हैं। ये सेक्शन टू मैथमेटिक्स से हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। तो चलिए पहला है हमारा हाउ मेनी स्लीपिंग लाइंस आर देयर इन गिवन फिगर, इसमें स्लीपिंग लाइन कितने हैं ये हमें काउंट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं स्लीपिंग लाइन कितने हो रहे हैं। ये हो गए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्लीपिंग लाइन है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, कम से ज़्यादा हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है और ज़्यादा से कम हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। यानी सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन हो गया हमारा 78, फिर हमारा 45, फिर 35, 23, 20 एंड 12, ये सीरीज हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5,
वन टेंस एंड नाइन वंस इज, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 19, 91, 11 या 19, वन टेंस एंड नाइन वंस, वंस की जगह पे नाइन होगा और टेंस की जगह पे वन होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रकाश स्टार्टेड वॉचिंग टीवी एट द टाइम गिवन बिलो, ही वॉच टीवी फॉर अराउंड 95 मिनट्स, एट विच टाइम डिड ही स्विच ऑफ टीवी। अगर प्रकाश टीवी देखना शुरू करता है इस इमेज के अनुसार, तो किस समय वह टीवी बंद करेगा, अगर वह अराउंड लगभग 95 मिनट्स वह टीवी देखता है। प्रकाश ने स्टार्ट किया टीवी देखना 11 बजकर 25 मिनट्स और उसने करीब 95 मिनट्स तक टीवी देखे, तो 95 में हमारा क्या हो गया, 60 प्लस 35, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 95 हो गया, तो ये 61 आवर हो गया, तो 12 बजकर 25 मिनट, फिर 12:25 में 35 को हम जोड़ेंगे, तो अप्रॉक्स हमारा हो जाता है 25 और 35 55 मिनट्स, यानी अप्रॉक्स 1 आवर्स एक बज जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 1 बजे जो है इसके ऑप्शंस में, ये सबसे निकट ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नियरेस्ट हंड्रेड टू 199 इज, 199 के 100 के नियरेस्ट सबसे कौन सा नंबर है, एक मिनट, HUNDRED, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, 100, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 199, अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टेबल हैज फोर लेग्स, हाउ मेनी लेग्स डू 20 टेबल्स हैव, अगर एक टेबल के चार लेग्स हैं तो 20 टेबल्स के कितने लेग्स होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 × 20, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 20 = 80, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन सा है, 2 + 6 = 2 + 4 = 6, 2 - 2 = 0, 2 × 3 = 5, 4 > 2, तो 2 + 4 = 6 होता है, 2 - 2 = 0, करेक्ट, 2 × 3 = 6 होगा, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो चलिए इसमें हमारा देख रहे हैं, E5 F6 G7 H8 I9, I9, तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर बढ़ रहा है EFGHI, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर J। अब नंबर सीरीज बढ़ रहे हैं 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो J 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3, हमारा साइंस से स्टार्ट हो गया, विच हाउस इज मेड अप मूड एंड स्ट्रॉ, मूड एंड स्ट्रॉ से बना हुआ हाउस किस प्रकार का हाउस कहलाता है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इग्लो या स्टील हाउस, इस प्रकार के हाउस जो होते हैं कच्चे हाउस होते हैं। माउंटेन एंड क्लाउड इज अ नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, लिविंग थिंग्स या नन ऑफ दिस, माउंटेन एंड क्लाउड इज अ नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ईयर, आईज, नोज, टंग और नोज, 5 हो गए सेंस ऑर्गन, तो 5 सेंस ऑर्गन हमारे हो गए, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग इट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, तो पिग्स आर डैश,
अगर पिग प्लांट और एनिमल दोनों खाता है तो क्या कहलाएगा, ओमनीवेरस, हार्बीवेरस, कार्निवेरस या नट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमनीवेरस। व्हिच थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड? इनमें से कौन से ऐसे थिंग्स है जिसको एयर, वाटर एंड फूड की जरूरत होती है? पेन, प्लांट, चेयर या नन? तो पेन एंड चेयर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है जिसे इसकी जरूरत नहीं होती है, जबकि प्लांट हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए इससे एयर, वाटर एंड फूड्स की ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बोन्स एंड मसल हेल्प अस टू रन, स्विम, वॉक। एक मिनट, ये ऑप्शंस गलत हो गए थे जो मैंने सही कर दिए हैं। तो बोन्स एंड मसल हेल्प अस रन, स्विम, वॉक या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है इंग्लिश से, चलिए इसमें हम देखते हैं। चूज द नाउन, फार्मर, ब्यूटिफुल, टुमारो या नन? इसमें से नाउन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फार्मर। मार्क द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ द गिवन एनिमल्स। बियर, बियर्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, कब, काफ, बियर या किटन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कब। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन आर्टिकल्स। इसमें से हमें सही आर्टिकल फिलअप करना। आई एम डैश इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। इस इमेज को देखकर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। अ की इज डैश अ लॉक, अ की इज इन अ लॉक। यहाँ पे सही प्रीपोजिशन इन हो गया। नेक्स्ट है चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द बेल, प्ले, रिंग्स, रन, सिंग। बेल क्या होगी, घंटी। घंटी क्या होती है, बजती है, तो बेल रिंग्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्कॉलर सेक्शन, चलिए इसे हम देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स सेवन शुड बी एडेड इट सेल्फ टू गेट 63? सेवन को कितने टाइम्स हम ऐड करेंगे तो वो हमें 63 प्राप्त होगा, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 9। सेवन को हम 9 बार अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा जो प्राप्त हो जाता है 63। इसको आप करके देख सकते हैं, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, फिर हो गया 7 प्लस 7 प्लस, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा ये 63 प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैज 31 डेज? इनमें से कौन सा ऐसा मंथ है जिसके डे जो है 31 डेज होते हैं? तो ऑप्शन है हमारा अप्रैल, सितंबर, जून और मई। तो चलिए इसको करके आप देख लीजिए कौन सा होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मई। मई में जो है 31 डे हो जाते हैं, बाकी सब में हमारा 30 डेज होते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये इमेज दिया गया है, इसको इमेज को देखकर हमें पहचानना है कि ये कौन है। द मैन इज एव अ पिक्चर इज डॉक्टर, गार्डनर, प्लम्बर या प्यून। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पौधों में पानी दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, गार्डनर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द शॉर्टेस्ट मंथ इज, सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है, फरवरी, जून, दिसंबर या जुलाई? सबसे छोटा मंथ फरवरी होता है, फरवरी 28 या 29 डेज के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कितने प्रैक्टिस सेट चाहते हैं और कौन से क्लास के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी हमें कॉमेंट करके अवश्य बताएँ। थैंक यू।
प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।